आज हम बनाएंगे सूट पे नेक डिजाइन। नेक डिजाइन जो दिखने में होगा हैवी लेकिन बनाने में बिल्कुल आसान। ये मैंने सूट की पहले कटिंग की हुई है। अगर आपके सूट की कटिंग की हुई है तो नेक से आधा इंच छोड़कर नीचे डिजाइन के लिए मार्किंग करेंगे। अगर रेडी है तो ऊपर से ही मार्किंग करेंगे जहाँ पे हमने फूल बनाने हैं, डिजाइन बनाना है। जो हम मार्किंग करेंगे डेढ़ इंच छोड़कर मार्किंग की है। एक से दूसरी लाइन का डिफरेंस डेढ़ इंच का लिया है। आप इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। हम लेंगे 000 ब्रश। अगर आपके पास 000 ब्रश नहीं है तो 0 नंबर भी ले सकते हो, 1 नंबर भी ले सकते हो। इस तरह से पहले व्हाइट कलर की पत्तियां बनाएंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना। इस तरह से पहले हम सारे व्हाइट कलर के फूल बना लेंगे। इक्वल जगह छोड़ते हुए आगे आगे इसी तरह से फूल बनाते जाएंगे। व्हाइट कलर के फूल हम बना चुके हैं। अब लेंगे हम दूसरा कलर। जो भी दूसरा कलर आप लेना चाहते हैं लीजिए। मैंने लिया है पिंक कलर। उसी तरह से हम पिंक कलर के फ्लावर बनाएंगे छोटी छोटी पत्तियों के साथ। अब जितने हमने व्हाइट फ्लावर्स बनाए हैं उससे एक नीचे लेकर हम फ्लावर बनाएंगे। अब तीसरी लाइन फिर व्हाइट फ्लावर उसी तरह से बनाएंगे।
फोर्थ लाइन फिर हमने जो भी दूसरा कलर लिया है, मैंने पिंक कलर लिया है, उससे रेडी करेंगे। ये लाइन हम दूसरे पिंक फ्लावर की लाइन की इक्वल आकर छोड़ देंगे। लास्ट हम फिर व्हाइट फ्लावर की लाइन लगाएंगे। इसके बाद हमने व्हाइट फूल के ऊपर पिंक डॉट्स लगाने हैं। ये डॉट्स आपने सूखने के बाद लगाने हैं। अब हम सेम ब्रश से पिंक फ्लावर के ऊपर व्हाइट डॉट्स लगाएंगे। अब हम लेंगे येलो कलर, उसी सेम ब्रश से येलो कलर के साथ छोटी छोटी स्टेम्स और लीव्स बनाएंगे। ये स्टेम्स और लीव्स आपने सारे फूलों के नीचे बनानी है। अब हम बनाएंगे साइड का बॉर्डर छोटी छोटी पत्तियों के साथ, एक पत्ती लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। येलो कलर के साथ सेम ब्रश से हम इस तरह से पत्तियां बनाते हुए बॉर्डर बनाएंगे।
यहाँ पे मैंने डिजाइन को ऐसे बनाया है कॉर्नर से, आप इन लाइंस को इक्वल भी बना सकते हैं ताजो नीचे से स्ट्रेट बने। देखिए छोटे छोटे डिजाइन के साथ, छोटे छोटे फूल के साथ हमारा जो डिजाइन है हैवी नजर आ रहा है, जो बनाने में बिल्कुल आसान है। आप भी इस डिजाइन को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।